और वहाँ पे कीमेंट लगता है जहाँ पे टमाटर मारते हैं एक दूसरे को ना। और आपने देखा होगा वो कौन सी मूवी का क्या नाम था, ऋतिक रोशन की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ जी सलाम अलैकुम, तो कैसे हैं आप लोग? ना फिर यार डोले नजर आ रहा है छापर हाथ में ना, वो बैग मेरा फट गया तो यहाँ से चीनों से लेते हैं पहले छापर और फिर आपको सुनाते हैं स्टोरी के काम पे जा रहे हैं। जाने तो जा तो ना नहीं बाद में साथ ये चीनों है, यहाँ से लेते हैं अपना बैग जिसमें हम अपना नहाने वाला सामान डाल रहे हैं। और चीनों इनके पास आपको हर तरह की चीज़ मिलती है चीनों में, चाइनीज के पास। फिलहाल हमें कोई नॉर्मल सा बैग चाहिए काम चलाना है, ये पर्पल ही ठीक है, वही जुड़े हैं तीन चार इकट्ठे जुड़े हैं, उसको कहता हूँ बैग चाहिए, इसको लाग लगा रहा है उतर नहीं रहा। ये बैग में चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं और फिर बैग पहनते हैं। बैग ले लिया अब ज़रा कम्फर्टेबल हो गया, तो अब आपको बताते हैं तो जा रहे हैं बनाने के लिए। मुझे नहीं पता कौन सी जगह, क्योंकि दोस्तों ने प्लान किया है तो नहीं पता है, तो चलो दिखाता हूँ आपको जगह कैसी है, क्योंकि गर्मी का यही मौसम है, गर्मी में हर वीकेंड जो हम कहीं ना कहीं नहाने के लिए जाते हैं मोस्टली, और सर्दी में चले कई बंदा घूमने चले जाते हैं। और ये आ गया है, मैं पहुँचा हूँ, ये हमारे जो है शान भाई हैं। शान भाई हेलो कर रहे सबको, और ये हमारे अली भाई हैं। यार मैं भी अपना बैग रख देना था, मैंने कि जा रहे हैं इधर कोई बात दे तोरचा, ये जगह कोई फोटो शूट नहीं आई थी बुनियोर चलो आपको दिखाता हूँ, कोई फोटो ही बाहर लगा, ये वाटरफॉल है तो इधर जा रहे हैं। और वहाँ पे कीमेंट लगता है जहाँ पे टमाटर मारते हैं एक दूसरे को ना। और आपने देखा होगा वो कौन सी मूवी का क्या नाम था, ऋतिक रोशन की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में वो आपने देखा होगा, वो लाइव में एक दूसरे को टमाटर मारते हैं उसमें नहाते हैं, वो सब वो मतलब वो विलेज टाइप है। टमाटर नहीं मारते नरम मार देने ਐਵੇਂ ਕਿ ਲੋਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸਾਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਕਿਧਰੇ ਕੰਢ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸੜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਕੰਢ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਉਂ ਟਮਾਟਰ ਫੁੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ तो ये जो फेस्टे की बात करें फेस्टिवल की बात करें वो अगस्त में होता है बेसिकली, तो अगस्त में आएगा, कोशिश करूंगा जाने की, आपको दिखाऊंगा वो भी इंशाल्लाह। अभी भी करेंगे एक और दोस्त को, उसको पिक करके फिर वापस सीधा चलेंगे, अभी फिलहाल दोस्त को पिक करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे साकिब भाई हैं। और ये सुपी तो बना हुआ जहाँ पे रेसिंग वगैरह होती है, इतनी सारी आउट हैं लैम्बर्गिनी फरारी तो हाँ रेस ट्रैक है, ये रेस ट्रैक है, इधर भी आऊंगा इंशाल्लाह। भाई जी है नहीं जी है इलेक्ट्रिक ये डीजल जी पेट्रोल भी नहीं है तो वहाँ पे जाने से पहले यहाँ से लेंगे सामान कुछ खाने वाला, तो क्योंकि वहाँ पे जरी वाला वाटरफॉल है कुछ चीज़ खाने के लिए मेरे की थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ से चीज़ें बाय करके वहाँ पे जाके बना के खाएंगे। यहाँ से लिए कुछ स्नैक्स वगैरह जूस सैलड और ये चीज़ें लिए, वहाँ पे बैठ के बंदा हल्का फुल्का मुँह वगैरह मार लेता है खा पी लेता है। पानी उन्हें क्या इतना देर लग गया, पर छोटा लग गया। ये पार्किंग भी आई है, पहुँच आए हैं, इधर नीचे वाटरफॉल है तो चलो आ जाओ, वही वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, उसी का ही पानी इधर आ रहा है। शान भाई यहाँ से कितना दूर है वाटरफॉल, कितना दूर है? पाँच दस मिनट हो रहे, अल्लाह अल्लाह इतनी गर्मी से
ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਰੀ ਬੰਦੇ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ 4 ਵਜੇ ਨੇ 4 ਵਜੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਅਸਾਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਪਹ ਜਾਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਜੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈ ਖਾਓ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 2 ਨਹੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਐ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਰੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐ ਸਰੋਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਖੱਪਾ ਹੈ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਖੱਪਾ ਹੈ ਰਣੀ ਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸੂਰ ਤੇ ਰਣ ਦੋਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਈਲਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਹੋਰੇ ਕੋਈ ਹੋਲ ਹਰਾ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇ ਹੁਣ ਛਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜੂ ਇਹ ਤੂੰ ਚੀਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਬਾਸ ਆਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦੀ ਨੇੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮ ਹੈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਟਰਫਾਲ ਰਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵੀਕਐਂਡ ਆਨ ਵੀਕਐਂਡ ਪੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਹੋਤੇ ਬਸ ਹਮ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਹੀ ਰਹਤੇ ਹੈ ਤੰਬੂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਮ ਹੈ ਨਾਈਸ आहो सीन अब ये है कि अब ऊपर जाना है इसके वाटरफॉल के ठीक है वाटरफॉल के ऊपर जाके जो है कुछ लोग इधर भी नहा रहे हैं जहाँ से पानी आ रहा है लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गंदा है तो ऊपर जाते हैं ऊपर जाके व्यू लेते हैं और फिर व्यू लेके चलेंगे इंशाल्लाह घर ना हमने पहले लिया है और जहाँ से ऊपर जा रहे हैं ऊपर का व्यू लेने के लिए स्पेशल मेहनत हो रही है ब्लॉग की नहीं थे हमने नहीं थे जाना ऊपर अरे हम जैसा बस हो गई ये चोरी चलो देखें कितनी मेहनत कर रहे हैं इतनी मेहनत के अलावा लाइक ना मिला या व्यू अगू नहीं जाना रास्ता चेक करो हेलो हाँ जवान इधर आज बह गए ने बाकी जा रहे ने मैं ही बह गया फाइनली अरे भाई साहब क्या व्यू है नाइस सारे तो की पहाड़ी से आए हैं इतना सारा नहाने का भी सिस्टम है और ये पहाड़ियों के ऊपर पेन का खाल जहाँ से फसलों को पानी लगाते हैं फुल पहाड़ी के ऊपर इधर ऊपर आ गई तो शीशे ज़्यादा पानी है इधर बैठ के साथ साथ बातें करते हैं साथ साथ असि चूना सिखाते हैं नहाने भी अमल के ना ये लड़का पागल हो गया है इसने पता कहाँ से छलांग मारी ऑलमोस्ट 20 फुट से ज़्यादा इसने छलांग मारी है यहाँ से ये देखें वो शिट मैन और इतना गहरा पानी है नीचे भी ऑलमोस्ट जो है ना 15 मीटर तक पक्की बात है हाँ अभी ये वहाँ से मारने लगा इधर ये पागल हो जान नहीं तो अब यहाँ पे नहाना के बस हो गई है नहा लिया अब वापस चलते हैं
कोशिश करते हैं आपको जो है वो ब्रिज दिखाए, अगर ना दिखाया गया तो फिर भी ठीक है दिखा लिए फिर भी ठीक है। तो आप वापस जा रहे हैं, चलो राजू हो गया जी, बहुत नहाते हैं। तो हाँ जी अब आ गए हाइकिंग करते करते अपनी गाड़ी के पास और अब चलते हैं घर इंशाल्लाह। और यही राज का छोटा सा ब्लॉग, अगर आपने कुछ भी फनी लगा अच्छा लगा ठीक है इंजॉय किया तो लाइक कमेंट और शेयर करके जाइएगा। तो एज ऑलवेज सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। Why you keeping me waiting?